हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या है। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। यहाँ पे क्या कहा है, एक एरोप्लेन है जो मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। यहाँ पे क्या कहा है, उसने एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट पे तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट होता है और इकोनॉमी के जो हमारी जो टिकट है उस पे 600 रुपीज का प्रॉफिट होता है। द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर द एग्जीक्यूटिव क्लास। यहाँ पे क्या कहा है, एयरलाइन क्या करती है, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20 सीट्स को रिजर्व रखती है। हाउएवर एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, हमें कौन कौन सी टिकट है, एग्जीक्यूटिव टिकट और इकोनॉमिक टिकट, उनको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, लेट एग्जीक्यूटिव टिकट्स क्या मान लिया हमने, एक्स, एंड इकोनॉमिक टिकट्स वो हमने क्या मान ली, वाई मान ली। इतनी बात क्लियर। अब देखो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जो हमारी एग्जीक्यूटिव टिकट है उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 1000 का। तो एक्स टिकट पे कितना हो जाएगा, 1000x प्लस में हमारा जो इकोनॉमिक टिकट है उस पर कितना है, 600 का, तो क्या हो जाएगा, 600y। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये लिख लिया हमने। अब हमें किस पे ध्यान देना है, कंस्ट्रेंट पे ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, यहां पे कंस्ट्रेंट क्या क्या बनेंगे हमारे, x एग्जीक्यूटिव टिकट्स हैं, y इकोनॉमिक टिकट्स हैं, दोनों मिला के मैक्सिमम कितनी हो सकती है हमारी, 200। तो हमारा क्या होगा, एक कंस्ट्रेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200 होगा। मतलब दोनों टिकट्स जो हैं 200 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है हमारी प्लेन की। पहली तो ये हो गई कंडीशन, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन पे ध्यान दो, क्या कहा है उसने, द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20 सीट्स को ऑलरेडी रिजर्व किया जाता है। एग्जीक्यूटिव क्लास कौन सी है हमारी, टिकट्स कौन सी है, एक्स, तो हमारा एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 20। एटलीस्ट 20 का है ना, मतलब कम से कम 20, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। एक तो ये बात हो गई। इस कंडीशन पे आ जाओ, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास में जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं ना, उसका 4 टाइम्स इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मान लो एग्जीक्यूटिव क्लास में 10 बंदे ट्रेवल करते हैं, तो इकोनॉमिक क्लास में कितने ट्रेवल कर रहे हैं, इसका 4 टाइम्स मतलब 40 मेंबर्स। तो यहां पे इक्वल करना है, तो हमें क्या हो जाएगा, 4x लेस देन इक्वल टू y। ये हमारे क्या थे, हमारे y क्या थे, इकोनॉमिक, और एग्जीक्यूटिव क्या थे, x। तो यहां पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या होगा, ये इक्वल की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, और एक कंस्टेंट क्या होता है हमारा, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनको इक्वालिटी में लेते हैं, पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 20। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे टेबल बनानी पड़ेगी x और y की वैल्यूज के लिए। यहां पे x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, 200। y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। इस पे आ जाओ, x और y, यहां पे x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू कुछ और ले लो अब यहां पे, या फिर y की वैल्यू मान लो हम ले लेते हैं यहां पे 80 ले लेते हैं, चलो 100 ले ली, y की वैल्यू 100 ले ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, यानी और एक x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 20 है, क्लियर। यहां पे 100 की जगह हम 80 भी ले सकते हैं, 80 लेंगे और अच्छा रहेगा हमारा ग्राफ ड्रॉ करने में, 100 लोगे उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पे अपना ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके कर लेता हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस।
अब बच्चों वैल्यू देखो हमारी क्या है, 25 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 25 ही ले लेते हैं, 25। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा 50, 75, फिर 100 और मैक्सिमम 200 तक जा रही है ये वैल्यू, तो 125 और 150, यहाँ पे 175 और फिर नियर अबाउट यहाँ पे 200 ले लेते हैं, नियर अबाउट ले लिया हमने, ठीक है। 50-50 का इंटरवल भी ले सकते हो, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास तो 50-50 का ले सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 25, 50, ये 75, 100, 125, 150, फिर यहाँ पे नियर अबाउट मान लिया हमारा यहाँ पे 200, ठीक है भाई, ये यहाँ पे 175। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले क्या है X0 Y200, Y200 ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे X200 Y0 ये पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को हम क्या कर लेंगे आपस में ज्वाइन कर लेंगे, तो हमने ये पॉइंट आपस में क्या कर लिया भाई, ज्वाइन हो गया, एक काम खत्म। दूसरे पे आ जाओ, X0 Y0, तो यहाँ पे X0 Y0 तो ओरिजिन हो गया, और X25 Y100, ये 25 Y100 कहाँ पे हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया कोई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गए ज्वाइन, तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 25 और 100 का, इतनी बात क्लियर। दूसरी चीज उसने क्या कही है, यहाँ पे देखो X=20 क्या आएगी, 25 से थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे X=20 की लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गई हमारी X=20, और ये लाइन क्या थी हमारी X+Y=200, और ये कौन सी लाइन है 4X-Y=0। अब यहां पे देखो हमारा जो कॉमन रीजन आएगा, ये कॉमन रीजन आ गया इसमें, देखो ये क्या था X+Y < 200, तो नीचे की तरफ आएगा, 4X-Y < 0, तो यहां पे लेफ्ट साइड जाएगा हमारा ये, और X Y > 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, और X=20 ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, तो मतलब कॉमन रीजन हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ये तीनों पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए हैं तीनों पॉइंट, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको C मान लेते हैं। कैसे सोल्व आउट होंगे ध्यान से देख लो, पहले अगर मैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, इस पे लाइन कौन सी गई हुई है, ये X+Y = 200, और ये वाली लाइन कौन सी X=20, तो X=20 पुट करेंगे तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 180 आ जाएगी, यानी पॉइंट आ गए हमारे A के कोऑर्डिनेट हो गए 20, 180, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर B के निकालने हैं, B के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा, क्या है ये 4X-Y = 0 और X+Y = 0, सॉरी 200, यहाँ पे Y से Y कट गया, 4X और X क्या हो गया 5X = 200, तो X = क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 5 4 = 20, 40 आ गया, X की वैल्यू यहाँ 40 पुट करेंगे तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, B के कोऑर्डिनेट आ गए 40, 160, ये आ गए भाई B के कोऑर्डिनेट 40, 160। अब ये वाले करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन X=20 और ये वाली लाइन कौन सी जा रही है 4X-Y = 0, यहाँ पे X की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे 20, 80, X की जगह 20 पुट करो 24 = 80, इस तरफ गया -80, माइनस से माइनस कट गया, Y की वैल्यू 80 आ गई। तो यहां पे देखो हम क्या लिखेंगे, शेडिड रीजन इज फिजिबल एंड बाउंडेड, और पॉइंट क्या हो जाएंगे ABCC के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 20, 80, ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है, जेड की वैल्यू देखो 1000x है, तो 1000 × A, A पॉइंट पे वैल्यू क्या है 20 और 180, तो 20+600 × 180, इसको सिंपलीफाई करो भाई, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगी, 20 की और इससे की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20,000, और प्लस में 180 की और 600 की मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 1,88,000, तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 128,000। उसके बाद एट बी देखते हैं, बी पॉइंट पे Z=, क्या आएगा, बी की वैल्यू 40 और 160 है, तो 1000 × 40 प्लस में 600 × 160, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे क्या आ गया, ये 40,000 हो गया, 16 और ये 96,000, टोटल आ गया 136,000। एट सी पॉइंट देखते हैं Z=, क्या आएगा,
यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 20 और प्लस में 600 मल्टीप्लाई 80, ये पॉइंट पुट कर लिए। यहाँ पे कितना आ गया 20,000 और यहाँ पे 48,000, तो टोटल क्या हो गया 68,000। अब मैक्सिमाइज करना था यहाँ पे प्रॉफिट को, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारी क्या थी, बी पॉइंट पे 40 एग्जीक्यूटिव की टिकट होनी चाहिए और 160 हमारी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक टिकट होनी चाहिए। बस ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जेड इज 1,36,000 एट एक्स इक्वल टू 40 और वाई इक्वल टू 160। तो देखो कहा था ना उसमें भी, स्टेटमेंट में भी, कि इकोनॉमिक टिकट जो है एग्जीक्यूटिव टिकट की 4 times है, तो 40 का 4 times 160, तो 160 और 40 का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टिकट और इकोनॉमिक टिकट का, जिससे उसको प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।